एक मसूफ कह रहे थे कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो उन्होंने इतने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, वो रोज़ प्रोग्राम शुरू कर देती हैं। तो गुजारिश है कि प्रोग्राम शुरू वही करता है भाई साहब जो होमवर्क करके आया होता है, जिसको जिसका विजन क्लियर होता है, जिसकी टीम अच्छी होती है और जिसको काम लेना आता है। जैसे मैंने गुजारिश की कि कल जो महकमा फूड की ब्रीफिंग थी उसके अंदर कीमतें कुछ और थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद अपने जो है वो ज़ाती लोगों को भेजकर मार्केट से जो है वो कीमतें लाकर जब डिपार्टमेंट के सामने रखी तो ज़ाहिर है उनके लिए भी एक शौक था। और आज मुझे पता चला है कि कुछ इंजबाती कार्रवाई भी हुई है महकमा फूड के 3-4 लोगों के ख़िलाफ़। तो ये जो मरियम साहिबा ने प्रोग्राम शुरू किए हैं, पहली तो बात यह है कि वो तमाम प्रोग्राम जो हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, बहुत से जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, जैसे निगबान रमज़ान है, जैसे दस्तक जो है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, कार्डियक हॉस्पिटल नवाज शरीफ कार्डियक हॉस्पिटल बनना शुरू हो गया है, कैंसर हॉस्पिटल जो है उस पर काम शुरू हो गया है। और मेरा सवाल यह है कि मंसूबे जो हैं वो क्या इलेक्शन के आखिरी साल में शुरू करते हैं? ज़ाहिर है मंसूबे आते शुरू किए जाते हैं ताकि जब आपकी दौरे हुकूमत मुकम्मल हो तो वो मंसूबे जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हों। और जो मंसूबे मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दिए हैं, मोस्टली 80% वो मंसूबे एक साल के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। और एक साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला जब हम आपसे बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उनकी उनके बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल हो चुके होंगे।